नमस्कार। भारत के सफल कप्तानों में से एक रहे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें हम कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं। यूं तो उनमें बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन एक खूबी ऐसी है जो बताती है कि सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी वो जमीन से कितने जुड़े हैं, और ये खूबी है दोस्ती। क्रिकेट की महान हस्ती महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर एक फिल्म भी आ चुकी है, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इसी फिल्म में बताया गया कि देश के पूर्व कप्तान धोनी के लिए दोस्ती क्या चीज है। फिल्म में धोनी और उनके दोस्त संतोष की दोस्ती के बारे में बताया गया, कैसे उन्होंने धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट मारना सिखाया, जो बाद में धोनी का ट्रेडमार्क शॉट बन गया, जिसका इस्तेमाल धोनी 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में भी कर चुके हैं। धोनी ये मशहूर हेलीकॉप्टर शॉट दरअसल अपने दोस्त संतोष लाल से ही उन्होंने सीखा था। धोनी और उनके दोस्त संतोष इस शॉट को उस वक्त थप्पड़ शॉट के नाम से बुलाते थे। इतना ही नहीं, धोनी और संतोष के बीच बचपन से ही इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो दोनों अलग अलग राज्यों में क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए एक साथ जाया करते थे। धोनी के दोस्त संतोष ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि वो दोनों बचपन से दोस्त थे। दोनों लंबे समय तक एक साथ टेनिस बॉल क्रिकेट खेले और रेलवे के लिए एक साथ काम किया। यहां तक कि जिस धोनी की बल्लेबाजी के आप दीवाने हैं, वो धोनी खुद अपने दोस्त संतोष की बल्लेबाजी के कायल थे। संतोष की बल्लेबाजी शैली भी धोनी की तरह थी। धोनी जब इंटरनेशनल स्टेज पर एक निडर युवा स्टार के रूप में उभरे, तो उस वक्त भी संतोष धोनी के करीबी दोस्तों में से एक थे। हालांकि दुख की बात यह है कि संतोष अब हमारे बीच नहीं है। अग्नाशय शोथ होने की वजह से उनका 32 साल की उम्र में निधन हो गया था। जब धोनी तक ये बात पहुंची थी कि उनके दोस्त की तबीयत खराब है, तो धोनी ने तुरंत ही दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में अपने दोस्त के इलाज कराने की तैयारियां की और अपने दोस्त संतोष को दिल्ली लाने के लिए एयर एम्बुलेंस तक भेज दी थी। लेकिन धोनी अपने बचपन के इस दोस्त की जिंदगी बचा नहीं पाए और टूट गई बचपन की दोस्ती। अपने दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए धोनी की ओर से की गई ये कोशिश बता रही है कि उनकी जिंदगी में उनके दोस्त की कितनी अहमियत थी। आज धोनी भले ही सफलता के शिखर पर पहुंच गए हों, लेकिन फिर भी सादगी पसंद धोनी जब भी अपने बचपन के दोस्तों से मिलते हैं, तो स्टार क्रिकेटर या कप्तान बनकर नहीं, बल्कि माही बनकर, जो कभी उनके साथ बाइक पर घूमा करता था और घंटों मैदान पर टेनिस बॉल खेलता था।